2023 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। मुलायम सिंह के साथ ही 6 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इधर 9 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। 91 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। लोक सेवा के लिए मुलायम सिंह को पद्म विभूषण, यूपी के राधा चरण गुप्ता को पद्मश्री दिया जाएगा। वहीं यूपी के अरविंद कुमार को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यूपी के दिलशाद हुसैन को भी पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो यूपी के विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा यूपी के ऋत्विक, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यूपी के मनोरंजन साहू को भी पद्मश्री से नवाजा जाएगा। उमाशंकर पांडे, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। क्रिकेटर ऋषभ पंत को अस्पताल पहुंचाने वाले दोनों युवकों को 26 जनवरी के दिन सम्मानित किया जाएगा। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देहरादून में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान युवक को सम्मान क्या मिलेगा। हादसे के बाद घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत को युवकों ने पहले तो अपना कंबल दिया और फिर अस्पताल पहुंचाया था। इसी बहादुरी के लिए उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। दो युवक जिन्होंने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अस्पताल पहुंचाने में पूरी मदद की थी, आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये दो युवक आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, इन्हें ही आज सम्मानित किया जाएगा। मंगो पुलिस में कोतवाली में आए थे, तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को आने वाले 26 जनवरी को हमें देहरादून में जो मुख्यमंत्री जी उनके द्वारा और पुलिस प्रशासन DGP सर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सर यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आगे रुख करते हैं। देखिए, यूपी में आज से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाते हुए कांग्रेस एक चार्जशीट जारी करेगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कांग्रेस ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी करार दिया है। भाजपा के नारे सबका साथ सबका विकास को कुछ भी, उन्होंने कहा कि कुछ का ही साथ खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात बना दिया है। इधर उत्तराखंड में भी आज कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद ही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो के अभियान की शुरुआत होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाएगा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो उसका जो है लोगो लॉन्च कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से और आज से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन अभियान की शुरुआत से पहले ही बीजेपी पे तमाम आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और इस अभियान को लेकर कहा गया है कि हर एक लोगों तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। इधर देखिए, रामचरितमानस की अब बात करते हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में एक बयान दिया। रामचरितमानस पर मेरा बयान मेरा निजी बयान है, ये कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। एक खास वर्ग ही मेरे बयान का विरोध कर रहा है, पंडे और पुजारी ही मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। एक वर्ग विशेष का विरोध करता रहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जो ये कह रहे हैं कि मेरा जो बयान है रामचरितमानस को लेकर उस पर मैं कायम हूँ, कायम रहूंगा। एक वर्ग विशेष ही मेरा विरोध कर रखा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ पुजारी ही मेरा विरोध कर रखी है। हालांकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया था उसके बाद चौतरफा उनकी निंदा हो रखी है। वो एक जाति विशेष का है, वो पंडित पुजारी की बिरादरी का है जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है। उनको आभास हो गया कि अगर मौर्या जी के इस आह्वान पर सभी आदिवासी दलित पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए वो खिसियाने हैं। स्वाभाविक रूप से शिवपाल यादव जी ने सही कहा और मैं अपना बयान देते वक्त यही कहा था, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।